अलकिबला पी सैयद अनायतुल हाकिशा साहिब सुल्तानपुरी जिंदा मजदूर से जो कायद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपनी मुफीद और कीमती आरा से नवाजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहायती वाजिबुल एहतराम उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर मुक्तदिर उलमा व मशायख अरबाबिल मुदानिश मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज की ये जो मजलिस खैर है आले सुन्नत जिन हालात से दो चार हैं उनसे निजात पाने के लिए है, तो मेरी इस सिलसिला में तजवीज़ ये है, चूँकि यहाँ पर पिछली बातें तो हमने करनी नहीं, हमने आगे चलना है। यहाँ पर कमेटियाँ बनाने की तजावीज़ भी दी गई, मैं तजवीज़ ये पेश करता हूँ कि हम इस इदारे से आगाज़ करते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं। इदारे का नाम है जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम। जहां तक मैं समझा हूं कि रिजविया ये निस्बत है ताजदारे बरेली के साथ, और दूसरी निस्बत इस इदारे की वजह शोहरत गुलिस्तान मेहर अली के नाम से है। मेरी तजवीज यह है कि आज यहां से यह आवाज उठे कि जिसकी फिक्र बरेली के ताजदार की फिक्र से नहीं मिलती, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिसकी फिक्र ताजदार गोरड़ा फाते कादियान पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ नहीं मिलती, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब आप बुजुर्गों पर एतमाद करेंगे, आला हजरत फाते बरेली से ज्यादा कोई नहीं पड़ा हुआ, अगर कोई है तो इस मजलिस में खड़ा होकर के दावा करे कि मैं अहमद रजा से ज्यादा जानता हूं दीन को। अहमद रजा से अगर दीन को कोई ज्यादा नहीं जानता, जब हमारा ताल्लुक उनसे है, और ये बात याद रखें पाकिस्तान के कानून के अंदर जब आप मस्जिद और मदरसा रजिस्टर करवाते हैं वहां वो पहले पूछते हैं आप बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, आप किस पर टिक करते हैं। वहां टिक होता है मैं बरेलवी हूं। अगर काफ़ों में अपने आप को बरेलवी मानते हो तो बाहर मानते हुए क्या दर्द पड़ता। यह सुन्नत का मतलब रहा है और रहेगा, और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का यह फैज है पर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने एतमाद किया है, जिन पर सैयद अहमद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने एतमाद किया है, उन पर एतमाद हमें करते हुए क्या दर्द है। बात यहां से शुरू करें। और दूसरी रह गई बात, मैं इन मुनाज़रीन हज़रात से हाथ जोड़कर यह अर्ज करता हूं आले सुन्नत का बेड़ा हर काम ने कर दिया है, अब कुछ हम पर रह फरमाए। ये लगाया आप लोगों ने है आले सुन्नत को, हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं। पहले एक ग्रुप के साथ आप थे, आज इफ़ाक़ शाह साहब दूसरी तरफ चले गए, लोग वो ही क्लिप निकाल निकाल कर सामने रख रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोग पहले ठीक थे या आज ठीक है, और बाकी
हाथ से करेंगे। माशाल्लाह जबरदस्त।